हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोटक बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 20 सितंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोटक बैंक में जो है फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन जो है कोटक बैंक 5.30% के जो है पॉजिटिव यहाँ पे क्लोज हुआ है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2007.95 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही अपसाइड मूवमेंट जो है वो रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड इसमें देखने मिलने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है क्या ये अपना 52 वीक हाई रेंज जो है वो क्लोज करने वाला है उसमें भी जो है तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक रेंज जो है वो है 2049 और यहाँ पे डेज रेंज जो है वो है 2017। इसका मतलब यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है अपना 52 वीक हाई जो है वो क्रॉस करने की और यहाँ पे जो है अभी फिलहाल के लिए जो 2007 पे है जो बहुत ही क्लोज मैं कहूँगा ये स्टॉक जो है क्लोज हुआ है अपने 52 वीक हाई से। तो ये क्या आने वाले दिनों में ऐसे ही जो है 52 वीक हाई जो है उसका क्रॉस करने वाला और न्यू 52 वीक हाई रेंज बनाने वाला है उसके लिए हम अपना वन डे का चार्ट जो ओपन करके आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। बाकी यहाँ पे जो है हमारा क्या ओपिनियन है ऑन द फेस ऑफ इट, आपको थोड़ा सा जो है मंडे के लिए क्या आपका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है रहने वाला है उस पर भी जो है आपको मार्क करके बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वन डे का चार्ट जो है यहाँ पे क्या बता रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ज़्यादा मैं कहूँगा वॉल्यूम है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो बहुत ही बड़ी बनी है जिसका मतलब है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का जो है इशारा मिल रहा है। याद रखें हमेशा हम कहते हैं कि यहाँ पे जब भी जो है एक स्टॉक जो है बड़ा मोमेंट दे तो यहाँ पे जो है आपको एक कंसोलिडेशन मतलब बड़ी कैंडल दिखी तो यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है आपको एक छोटी सी कैंडल जो है ज़रूर देखने मिलती है ताकि यहाँ पे जो एक बड़ा मोमेंट आए। तो ये बड़ा मोमेंट क्या है, बड़ा मोमेंट है इसका 52 वीक हाई जो है ये क्रॉस 52 वीक रेंज जो है वो इसका क्रॉस करने का जो एक बड़ा रेंज है जो यहाँ पे 110% सक्सेसफुल हो जाएगा आपको मोस्टली ट्यूसडे या फिर वेनसडे तक जो है ये स्टॉक जो है आपका 52 वीक हाई जो है क्रॉस होते हुए देखने मिल सके। याद रखें लिख के ले लें यहाँ पे जो है वेनसडे या फिर ट्यूसडे को जो है ये स्टॉक जो है आप देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई जो है वो रेंज क्लोज होते हुए देखने जरूर मिल सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल RSI की मैं बात करूँ RSI जो है यहाँ पे ओवरबॉट एरिया में आ चुका है 81.7989 तक की यहाँ पे ये स्टॉक जो आ चुका है जो यहाँ पे हमें एक डाउन साइड का इशारा देता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 200 MA का जो है क्रॉस ओवर एक बना है 20 MA के यहाँ पे जो एक पॉजिटिव का जो है इशारा देता है यहाँ पे। इसका मतलब हमेशा जो है हम इंडिकेटर्स पे जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के जो चार्ट एनालिसिस भी होते हैं जो आपको मोमेंट का जो इशारा पहले ही दे देते हैं। इवन तो यहाँ पे कोई न्यूज़ भी हो तो भी यहाँ पे जो चार्ट हमें पहले बता देगा न्यूज़ यहाँ पे जो है आपको कैसी देखने मिलने वाले क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ जो है मोमेंट आपको एक बताता है जो यहाँ पे आपको इशारा दे देता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आपने जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है मैं कहूँगा अभी के जो है अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि यहाँ पे जो हम आप सभी के लिए एवरीडे 4 वीडियोस का जो है स्टॉक एनालाइज लाते हैं मतलब चार स्टॉक्स से जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे हमारा मोटिव होता है आप जो है लर्न करें और साथ ही साथ अर्न करें। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप जो हमारे हर एक वीडियो को देखें ताकि यहाँ पे जो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस सीखने मिले और यहाँ पे जो आप अपना जो चार्ट एनालाइज का जो लर्निंग है वो जो है आप स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि यहाँ पे जो आपको कम से कम यहाँ पे जो आपको लॉस हो स्टॉक में और यहाँ पे जो अच्छा से अच्छा जो प्रॉफिट कर पाए। तो याद रखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले और ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले ताकि यहाँ पे आप सभी के लिए सबसे पहले जो आप सभी को जो है हमारा नोटिफिकेशन आ जाए कोई भी न्यू वीडियो के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में क्या आपका सपोर्ट जोन और क्या रेजिस्टेंस जोन जो है वो बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे नीचे के लिए मैं 2 रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्क कर लेता हूँ, बाकी यहाँ 2 सपोर्ट जोन जो है वो मार्क कर लेता हूँ, बाकी यहाँ पे जो है अपसाइड के लिए जो है इसका 52 वीक हाई रेंज जो है मोस्टली यहाँ पे आपको जो है एक उसका रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे एज सच डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एज सच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस जोन जो है
वो फ्राइडे के दिन जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ वही उसका रेजिस्टेंस है, और जब भी जो है इस रेजिस्टेंस को जो है इस स्टॉक ने पार किया तो यहाँ पे आपको बड़ी रैली देखने मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे इसका 52 वीक रेंज जो है वो क्रॉस होगा, तो विद वॉल्यूम क्रॉस होगा वो भी मैं आपको कह दूँ। तो यहाँ पे फिलहाल अगर मैं मंडे के लिए बात करूँ, मंडे को यहाँ पे हाई चांस है 1947 से लेकिन 1992 के बीच में, इस दोनों के बीच में जो है ये स्टॉक जो है क्लोज हो तो आपको देखने मिल सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी यहाँ पे ओपनिंग जो है अगर यहाँ पे सीधी 52 वीक हाई रेंज जो है वो क्रॉस करते हुए हुई तो यहाँ पे आपको जो मंडे के दिन ही जो है आपको 52 वीक हाई जो है इसका रेंज क्रॉस होते हुए देखने मिल सकता है, जो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक इतनी बड़ी मोमेंट के बाद जो है एक कंसोलिडेशन आपको देखने मिलता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल आपको जरूर देखने मिलती है, तो यहाँ पे यही जो है 1992 से लेकर 1947 के बीच में जो है ये एक छोटी कैंडल बनती है वन डे के चार्ट में और 1 आवर के चार्ट में। इसकी वजह से मैं आपको जो है यहाँ पे वही चीज का जो एक इशारा देता हूँ। यहाँ पे साथ ही साथ स्टोकेस्टिक आरएसआई हमारा आप देख सकते हैं ओवरबॉट एरिया में आ चुका है, जो यहाँ पे डाउनसाइड का जो है इशारा अभी तक तो फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन ओपनिंग जो है हमारी कहती है अगर ओपनिंग यहाँ पे पॉजिटिव हुई तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउनसाइड जरूर जा सकता है। छोटा सा यहाँ पे जो एक डाउनसाइड आएगा, जैसे कि मैंने कहा छोटी कैंडल ही बनेगी, तो यहाँ पे आप जो थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल के साथ आपने काम किया तो यहाँ पे जो आपका नुकसान बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आप जो हमेशा प्रॉफिट में ही जो है रहेंगे। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।